वेलकम इन कृषि वैली यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ एंटोमोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ये इस वीडियो का पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन इज हु कॉइन्ड द टर्म थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। योर ऑप्शंस आर प्रोफेसर विलियम, पॉल मुलर, निकोलास एपर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोफेसर विलियम। थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स ये शब्द टर्म कॉइन करा था प्रोफेसर विलियम ने, और कब करा था? ये करा था 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रल रिलीज फ्रॉम मैंडिपुलर ग्लैंड्स ऑफ आंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस आर कैरामोन, फिरेमोन, एलोमोन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एलोमोन्स। ठीक है, क्वेश्चन था कि जो आंट्स होती हैं चींटी, उनसे सिट्रल एक कंपाउंड होता है, सिट्रल केमिकल रिलीज होता है उनके मैंडिबुलर ग्लैंड से, वो एक एलोमोन्स होता है। ठीक है, अभी टर्म देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। एलोमोन्स को हम याद करते हैं नेगेटिव साइन से। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग थोड़ा नेगेटिव होता है। मतलब एलोमोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि यानी इंसेक्ट्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, और जो हम रिसीवर होते हैं, रिसीवर कौन होगा, आप या हम, तो हम जो रिसीव करते हैं हमारे लिए वो अच्छे नहीं होते। ठीक है, हमारे लिए वो बेनिफिट नहीं होते। जो रिलीज़ कर रहा है, आंट रिलीज़ करेगी, इंसेक्ट रिलीज़ करेगी, उसके लिए बेनिफिट है, लेकिन जो रिसीव करेगा आप और हम, हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, दैट इज़ नॉट बेनिफिट फॉर अस। तो वो होता है एलोमोन्स, हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, दैट इज़ एलोमोन्स नेगेटिव साइन। जबकि कैरोमोन्स इसका जस्ट अपोजिट होता है। कैरोमोन्स को याद रख सकते हैं पॉजिटिव साइन से। कैरोमोन्स मतलब कि वो केमिकल कंपाउंड जो रिलीज़ करने वाला होता है इंसेक्ट्स मेनली, उनके लिए जो होते हैं बेनिफिट नहीं रखते, उनके लिए बेनिफिट नहीं होता, लेकिन जो हम रिसीवर होते हैं, आप या हम जो रिसीव कर रहे होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, तो हमारे लिए वो अच्छे होते हैं, दैट इज़ वाई पॉजिटिव। तो कैरोमोन्स पॉजिटिव होते हैं, एलोमोन्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है, फिरमोन्स क्या होते हैं? फिरमोन्स सिंपली वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनसे हम इंसेक्ट्स की मेटिंग, फूड बिहेवियर, ये सब जो है हिंडर कर सकते हैं। तो ये थे दो क्वेश्चन, आगे देखते हैं। नंबर थ्री इज विच इंसेक्ट्स ऑर्डर इज हाईली इवॉल्व्ड। ऑप्शंस आर आइसोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइमेनोप्टेरा। सबसे ज़्यादा हाईली इवॉल्व्ड ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा। अब हाइमेनोप्टेरा में कौन कौन इंसेक्ट्स आते हैं? इसमें आते हैं बी, वास्प, आंट, ये सब हाइमेनोप्टेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है हाईली इवॉल्व्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द डीपर दैट इज़ डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज इस्टेब्लिश्ड। ये डायरेक्टोरेट कहाँ इस्टेब्लिश्ड है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, गुजरात, पंजाब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरियाणा। ठीक है, जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज है वो हरियाणा में इस्टेब्लिश्ड है। हरियाणा में भी कहाँ पर? हरियाणा में फरीदाबाद में। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1946 में। क्वेश्चन नंबर फाइव इज क्यूटिकल ऑफ इंसेक्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ काइटिन, प्रोटीन, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मतलब इंसेक्ट में जो क्यूटिकल होती है वो काइटिन प्रोटीन दोनों की बनी होती है। ठीक है, जो काइटिन होता है वो 25-60% होता है, और प्रोटीन जो है वो 25-40% होता है। ठीक है, क्यूटिकल में काइटिन ज़्यादा होता है अराउंड अबाउट 60%, प्रोटीन थोड़ा कम होता है अबाउट 40%। ठीक है, ये काइटिन प्रोटीन का परसेंटेज याद रखना, 60%, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स इज विच अमीनो एसिड इज एसोसिएटेड विद हार्डनिंग स्क्लेरोटाइजेशन ऑफ क्यूटिकल। ऑप्शंस आर टायरोसिन, थ्रियोनिन, बोथ ए एंड बी।
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए टायरोसिन। ठीक है, इंसेक्ट की जो क्यूटिकल होती है जो काइटिन प्रोटीन की बनी होती है उसमें क्या होता है उसकी जो हार्डनिंग होती है, क्योंकि काइटिन एक एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है, तो बेसिकली जो क्यूटिकल को हार्डनिंग प्रोवाइड करते हैं दैट इज उसको हम स्क्लेरोटाइजेशन भी बोलते हैं। और ये बेसिकली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक अमीनो एसिड जिस जो है टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एंटीनी ऑफ इंसेक्ट्स हैव अ फीचर दैट द फर्स्ट सेगमेंट इज स्मॉलर एंड ब्रॉड देन सेकेंड फ्लैजुलम आर मोर लॉन्गर एंड बियर हैवी ब्रिस्टल्स। ऑप्शंस हैं क्लेवेट, सिटेशियस, एरिस्टेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एरिस्टेट। ठीक है, एरिस्टेट क्या होते हैं, ये वो एंटीने होते हैं जिसमें पहला सेगमेंट जो होता है छोटा और मोटा होता है, यानी स्मॉल और ब्रॉड होता है, उसके बाद जो फ्लैजिला होता है वो बहुत लंबा होगा और उसमें ब्रिस्टल्स लगे होते हैं, तो इस तरह के एंटीने को हम बोलते हैं एरिस्टेट। ठीक है, और ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस फ्लाई। बाकी ऑप्शंस देखते हैं क्लेवेट और सिटेशियस। क्लेवेट में क्या होता है कि जो एंटीने का एंड होता है वो क्लब शेप का होता है, ठीक है, ये जनरली बटरफ्लाइज में पाए जाते हैं। सिटेशियस एंटीने जो होते हैं वो पॉइंटिंग टाइप होते हैं, पॉइंटिंग या टैपरिंग। ठीक है, इनमें सबसे बेस वाली सेगमेंट थोड़ी मोटी होगी, उसके बाद छोटे छोटे होते जाएंगे, पूरा एंड आने तक टैपरिंग हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं सिटेशियस एंटीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी। ऑप्शंस आर विलियम किर्बे, वी बी विग्लेसवर्थ, जे बी लिविक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी वी बी विग्लेसवर्थ। वी बी विग्लेसवर्थ को फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी बोला जाता है और उन्होंने एक बुक भी लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 इज स्वीट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस हैं शुगर केन, हनी, बोथ ए एंड बी। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी हनी। स्वीट रेवोल्यूशन हनी से रिलेट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हनी बी डे सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शंस हैं 26 नवंबर, 1 जून, 20 मई। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 20 मई। वर्ल्ड हनी बी डे जिसको हम नॉर्मल हनी बी डे भी बोलते हैं, ठीक है, तो विश्व, ठीक है, वर्ल्ड हनी बी डे मनाया जाता है 20 मई को, लेकिन एक होता है वर्ल्ड हनी बी डे जो कि 20 मई को आता है, एक होता है नेशनल हनी बी डे। ठीक है, और नेशनल हनी बी डे मनाते हैं 22 अगस्त। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है वर्ल्ड हनी बी डे और नेशनल हनी बी डे में। जो वर्ल्ड हनी बी डे है वो आता है 20 मई, पहले आता है, और उसके बाद मई के बाद अगस्त आता है, तो नेशनल हनी बी डे हम मनाते हैं 22 अगस्त। ठीक है, 20 मई और 22 अगस्त। क्वेश्चन 11 इज द फेरोमोन टर्म कॉइन इन द ईयर 1959 बाय। ऑप्शंस आर सटन एंड बूवर, प्रोफेसर विलियम कार्लसन एंड लिस्चर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी कार्लसन एंड लिस्चर। फेरोमोन शब्द 1959 में कार्लसन एंड लिस्चर ने कॉइन करा था। फेरोमोन्स क्या होते हैं, फेरोमोन्स जो होते हैं वो इंट्रा स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिकली हमको हेल्प करते हैं टू फाइंड द सेम स्पीशीज मेंबर्स फॉर मेट, और इनसे हम उनका फूड हैबिटेट पता करते हैं, उनका जो मेन फूड सोर्स है वो पता करते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो मीटिंग होती है उसको अवॉइड करते हैं, कॉम्पिटिशन अवॉइड करते हैं, बेसिकली इंसेक्ट को मैनेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैल्पिकियन टिब्यूल्स आर एब्सेंट इन विच इंसेक्ट। ऑप्शंस आर एफिड्स, आंट्स, टर्माइट्स।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए एफिड्स। ठीक है, मैल्पिगिन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? मैल्पिगिन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं इंसेक्ट के एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इंसेक्ट का जो वेस्ट होता है उसको उसके एक्सक्रीशन के लिए मैल्पिगिन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये मैल्पिगिन ट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं एफिड में। ठीक है, इसके अलावा एफिड्स के अलावा कोलम बुलान, ठीक है, कोलम बुलान में भी मैल्पिगिन ट्यूब्यूल्स नहीं होते। ये दो इंसेक्ट ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें मैल्पिगिन ट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते। कौन कौन से दो हैं? एफिड्स एंड कोलम बुलान। एफिड्स कोलम बुलान में मैल्पिगिन ट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एकेरिसाइट माइटीसाइट। ऑप्शन है एवमैक्टिन, सल्फर, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मतलब एवमैक्टिन और सल्फर दोनों ही जो है वो एकेरिसाइट और माइटीसाइट्स के एग्जाम्पल हैं। एकेरिसाइट और माइटीसाइट्स क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि माइट्स को किल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एन एक्सोप्टेरिकोटा। ऑप्शंस आर हेमिप्टेरा, डिप्टेरा, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए हेमिप्टेरा। ठीक है, हेमिप्टेरा जो होता है वो एक्सोप्टेरिकोटा को बिलोंग करता है, और जो दूसरा ऑप्शन है डिप्टेरा वो बिलोंग करता है इंडोप्टेरिकोटा। ठीक है, ये एक्सोप्टेरिकोटा इंडोप्टेरिकोटा रिलेट रखते हैं विंग्स के डेवलपमेंट से। ठीक है, एक्सोप्टेरिकोटा, एक्सो माने होते हैं आउटसाइड, तो एक्सोप्टेरिकोटा में विंग डेवलपमेंट आउटसाइड होता है, एक्सटर्नल होता है, जबकि डिप्टेरा में क्या होता है इंडोप्टेरिकोटा होते हैं, इंडोप्टेरिकोटा में क्या होता है विंग डेवलपमेंट इनसाइड होता है। ठीक है, हेमिप्टेरा में क्या होता है एग्जाम्पल बर्ड्स, और डिप्टेरा में क्या होता है जितनी भी मच्छर मक्खी होते हैं ना, जितनी भी ट्रू फ्लाइज होती हैं वो डिप्टेरा में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज द सेफ मॉइस्चर परसेंटेज फॉर पल्सेस। ऑप्शन आर 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 8 to 10%। ठीक है, जो पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, उनको स्टोरेज के दौरान जो सेफ मॉइस्चर होता है वो होता है 8 to 10%। बाकी ऑप्शंस देखते हैं, पहला है 6 to 8%। 6 to 8% मॉइस्चर जो होता है वो होता है मेनली ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस। जितने भी ऑयल सीड और स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, उनका जो सेफ मॉइस्चर होता है वो होता है 6 to 8%, बहुत कम। उसके बाद 8 to 10 होता है पल्सेस दालों के लिए, और 10 to 12 होता है सीरियल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बी टी स्टेन इज यूज टू कंट्रोल और इट रजिस्टर्ड फॉर लेपिडोप्टेरा लार्वा। एग्जाम ऑप्शंस हैं बी टी इजराइलेंसिस, बी टी एजावाई, बी टी कुर्स्टेकी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बी टी कुर्स्टेकी। बी टी कुर्स्टेकी जो है बी टी स्ट्रेन है जो कि स्पेसिफिकली मतलब रजिस्टर्ड है लेपिडोप्टेरा लार्वे के लिए, जबकि बी टी इजराइलेंसिस जो होता है वो डिप्टेरा को कंट्रोल करने के लिए होता है, और बी टी एजावाई जो होता है वो डिप्टेरा प्लस लेपिडोप्टेरा दोनों के लिए होता है। बट स्टिल क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रजिस्टर्ड फॉर लेपिडोप्टेरा लार्वा, रजिस्टर्ड का मतलब जो रजिस्टर्ड हो चुका है, तो बी टी कुर्स्टेकी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस हैं लैसिफरलाका, मोरस अल्बा, बॉम्बिक्स मोरी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बॉम्बिक्स मोरी। सेरिकल्चर जो है बेसिकली रिलेट रखता है टू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोरी, जबकि बाकी ऑप्शंस जो हैं जैसे लैसिफरलाका, लैसिफरलाका का मतलब है लैग इंसेक्ट से, मोरस अल्बा मतलब मलबेरी। ठीक है, मलबेरी हम सारी कल्चर में यूज़ करते हैं, बट मोरस अल्बा यानी मलबेरी के कल्चर को बोलते हैं मोरी कल्चर, लेकिन सारी कल्चर में जो सिल्क मौत होती है उसका कल्चर करते हैं, तो सारी कल्चर रिलेट रखता है बॉम्बिक्स मोरी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज पॉलिनेशन डन बाय द एजेंसी ऑफ आंट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन हैं मिर्मिकोफिली, हाइमिनोप्टेरोफिली, एनीमोफिली. राइट आंसर इज ऑप्शन ए मिर्मिकोफिली. ठीक है, जो पॉलिनेशन आंट्स के थ्रू होते हैं, आंट्स सबको पता है चींटी, ठीक है, तो आंट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं मिर्मिकोफिली. बाकी ऑप्शंस देखते हैं, जैसे हाइमिनोप्टेरोफिली से समझ में आ रहा है हाइमिनोप्टेरा ऑर्डर यानी बटरफ्लाई, ठीक है, तो बटरफ्लाई के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो हाइमिनोप्टेरोफिली. एनीमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय विंड्स, तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन ए आंट्स के द्वारा होगा तो मिर्मिकोफिली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज मस्कटाइन डिसीज इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस आर सिल्क वॉर्म, लैक इंसेक्ट, हनी बी. राइट आंसर इज ऑप्शन ए सिल्क वॉर्म. मस्कटाइन डिसीज रिलेटेड टू सिल्क वॉर्म. ठीक है, अब ये डिसीज़ जो सिल्क वॉर्म में होती है किसकी वजह से होती है, ये होती है फंगस की वजह से. ठीक है, तो मस्कटाइन डिसीज फंगस में फंगस की वजह से होती है सिल्क वॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन 20 इज द सिम्टम ऑफ डेड हार्ट्स एंड वाइट हेड इज अकर इन राइस ड्यू टू विच इंसेक्ट. चावल में जो वाइट हेड मतलब डेड हार्ट्स और वाइट हेड के सिम्टम्स आते हैं वो किस इंसेक्ट की वजह से आते हैं. ऑप्शन हैं गंधी बग, येलो स्टेम बोरर, ब्राउन प्लांट हॉपर. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी येलो स्टेम बोरर. ठीक है, चावल में धान में जो डेड हार्ट और वाइट हेड बनते हैं वो येलो स्टेम बोरर की वजह से बनते हैं. येलो स्टेम बोरर बोरर है तो ये बिलोंग करेगा लेपिडोप्टेरा ऑर्डर को और इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस. नेक्स्ट 21 क्वेश्चन इज नेशनल पेस्ट इज, ऑप्शंस हैं लोकस्ट, वाइट ग्रब, बोथ ए एंड बी. राइट आंसर इज ऑप्शन बी वाइट ग्रब. ठीक है, इंडिया का जो नेशनल पेस्ट है वो है वाइट ग्रब और इंटरनेशनल पेस्ट कौन सा है, इंटरनेशनल पेस्ट है लोकस्ट. लोकस्ट में भी कौन सा, डेजर्ट लोकस्ट. ठीक है, तो डेजर्ट लोकस्ट इंटरनेशनल पेस्ट है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल पेस्ट, तो नेशनल पेस्ट है वाइट ग्रब. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 22 इज विच पेस्ट बिलोंग्स टू द ऑर्डर, विच पेस्ट बिलोंग्स टू ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर. ऑप्शंस हैं टर्माइट, वाइट ग्रब, ग्रास हॉपर. राइट आंसर इज ऑप्शन सी ग्रास हॉपर. ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है ग्रास हॉपर. बाकी ऑप्शन देखते हैं टर्माइट, टर्माइट बिलोंग करता है आइसोप्टेरा को, वाइट ग्रब, ठीक है वाइट ग्रब ऊपर पड़ा था नेशनल पेस्ट है वाइट ग्रब, वाइट ग्रब बिलोंग करता है कोलियोप्टेरा को. ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्थोप्टेरा को कौन बिलोंग करते हैं, इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी ग्रास हॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीजनल पेस्ट. ऑप्शंस हैं राइस केस वॉर्म, राइस स्टेम बोरर, चिली थ्रिप्स. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी राइस स्टेम बोरर. ठीक है, राइस में जो स्टेम बोरर लगता है वो क्या है, सीजनल पेस्ट का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इंसेक्ट्स इज नोन एज प्लांट लाइस. ऑप्शन हैं टर्माइट्स, एफिड्स, बोथ ए एंड बी. राइट आंसर इज ऑप्शन बी एफिड्स. एफिड्स को प्लांट लाइस कहा जाता है. प्लांट लाइस, लाइस का मतलब हिंदी में जू होता है. ठीक है, जैसे छोटे बच्चों के सर में हो जाती हैं बचपन में जू, वैसी प्लांट लाइस होती हैं जिसको एफिड्स जो होते हैं उनको ही प्लांट लाइस बोलते हैं. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इन जनरल इंसेक्ट हैच इज मेड फ्रॉम हाउ मेनी सेगमेंट्स. ऑप्शन हैं 3, 8, 6. राइट आंसर है ऑप्शन सी 6. इंसेक्ट का जो हैड होता है वो जनरली 6 सेगमेंट से बना होता है. तो गाइज ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ एंटोमोलॉजी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए.